पंजाब के अंदर सुनते थे हम, आज हमारे J&K के अंदर भी है, और वो इशू है ड्रग का। आज जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे जिनको कोई काम काज नहीं है बेचारे, कोई रोजगार नहीं है, तो उनका ध्यान यानी इसकी तरफ ड्रग की तरफ चल पड़ा है। बड़ा समझाने के बावजूद भी, क्योंकि जब रोजगार ना होगा, जब उनको कोई काम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो फिर करेंगे, इसलिए उनका रुझान अब ड्रग की तरफ चला गया। और ड्रग की वजह से रोज़ कोई ना कोई मर्डर, कोई रेप, कुछ सुनने में आ जाता है। जैसे आज 15 दिन पहले मेरे एक रेप हुआ, मर्डर हुआ गोमना से, अपने क्या नाम है आरसपुरा में भी एक मर्डर हुआ। जैसे पीछे आपने रिजौरी में भी सुना था, उसका मेन कारण है ड्रग। और इसके ऊपर पूरी सोचने की ज़रूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम तो कर रही है, लेकिन इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और इसका जो ड्रग है, इसका सप्लायर कौन है? सीधा सीधा स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान है, सीधा पाकिस्तान से आ रही है। कल ही रिजौरी में एक हमारे सरपंच पकड़े गए हीरोइन के साथ, उसके 10 दिन पहले अखनूर एरिया में पकड़ी गई हीरोइन, और उसके एक 1.5 महीना पहले अपने आरसपुरा में भी पकड़ी गई। अगर पाकिस्तान से, अगर श्रीनगर से बुकी आ रही है, वो भी स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान है, और पंजाब से जैसे वो कैप्सूल वगैरह ड्रग जो भी, जितनी भी ड्रग है जो भी, वो सारी सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है। उसका जितना कौन है पाकिस्तान, इसलिए अब समय आ गया है पाकिस्तान को सब सिखाने का। पहले भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ट्रेडर दिखाया था, और आज लगता है कि पाकिस्तान को बड़ी सबक सिखाने की ज़रूरत है। कभी जो हमारे इमरान खान जो आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कभी हमारे खेलने आते थे, हमारे लोग वेलकम करते थे, लेकिन आज उसको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान का नाम आपने देखा था, हिंदुस्तान अपने वर्ल्ड के मैप से निकल गया था, वर्ल्ड के मैप से पूर्वी पाकिस्तान का नाम मिट गया था। वैसे भी अब पाकिस्तान का नाम मिटा के रख देंगे हम। सर्जिकल स्ट्राइक थी, और आज पिक्चर का एंड होने वाला है। और जितनी आती, अगर यही एटीट्यूड पाकिस्तान का रहा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसे इसका सबक सिखाया जाएगा।